नमस्कार सबकी नजर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एसएस पांडे, आप देख रहे हैं सबकी नजर समाचार। आइए ले चलते हैं आपको तरह तरह की खबरों की। शास्त्री पार्क थाना क्षेत्र बुलंद मस्जिद इलाके में एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 47 वर्षीय अलाउद्दीन झुग्गी बस्ती इलाके में पाइपलाइन के पास साझेदारी में ई रिक्शा चार्जिंग का काम करता था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मकान नंबर D594/3 बुलंद मस्जिद इलाके में रहने वाला अलाउद्दीन वल्द नथू रात्रि के लगभग 9 बजे ई रिक्शा में चार्जिंग के लिए तार लगा रहा था, तभी उसे करंट लगा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परंतु मृतकों के परिजनों के अनुसार यह स्वाभाविक घटना नहीं बल्कि हत्या है और इस हत्या में साझेदार भूरे खा का हाथ है, क्योंकि घटना के अगले दिन तक पुलिस को सूचना ही नहीं दी गई। यही नहीं, आरोपियों द्वारा मृत शरीर को दफनाने की जल्दबाजी भी की गई। गौरतलब है कि बुलंद मस्जिद इलाके में आज भी सैकड़ों की तादाद में पाइपलाइन इलाके में बसी झुग्गी बस्तियों में ई रिक्शा की बैटरी चार्जिंग का अवैध धंधा मिली भगत से बेखौफ चलाया जा रहा है। चर्चा के अनुसार घटना के बाद पुलिस ने बैटरी चार्जिंग धंधा बंद करने को कहा, परंतु आज भी धंधा बदस्तूर जारी है। देखिए आज की ये रिपोर्ट। यहाँ क्या घटना घटी है? कुछ घटना घटी थी, मेरा बच्चा आया था यहाँ पर, रहता था वहीं से, 4-5 जने रहते थे यहाँ पर, झूरा है, वेश है, और लड़के का क्या नाम बताइए सोनू? दानिश। एक दानिश है, ये सारे लड़के यहाँ पर शराब पी रहे थे। अब ये नहीं पता कि बत्ती लगाने के लिए किस साइड में गया था, इस साइड में बत्ती लगाने गया था, वहाँ मेरा बच्चा पड़ा था, तो उसने इकबाल ने कहा कि रात दिन भाई नीचे पड़े होंगे, उसके छू के देखा है, जान थी। है किरण को कुछ नहीं आ रहा था, कुछ किरण नहीं आ रहा था, उसको मार के हुआ डाला था, मार के लेके आए तखत पे, उसका कम्बल से मुँह दबाया गया, उसके बत्ती के शॉट लगाए, हाथ में निशान है उसके, सब कुछ। तो किसी ने बच्चे को मारा है और मारा किसने? भूरा ने। आपके बच्चे का क्या नाम है? मेरे बच्चे का अलाउद्दीन। अलाउद्दीन, जब आपको पता लगा तब आप कहाँ थे? जो हमको पता लगा था, दो लड़के यहाँ पर थे, उसको हमें बुलाने गए थे, भूरा अकेला था, भूरा उठा के ले गया, ले जाने के बाद में उसने वहाँ पर अकेले में चुग्गी में मुँह दबा दिया उसका कम्बल से, वो कम्बल पड़ा हुआ तखत पर ले गया पीछे, गिरा था मेरा लड़का, वहाँ से खसेड़ के लेके आए, शर्ट मंगाई है मैंने घर से, पूरी शर्ट पूरी तरीके से उसको पहन रखा था। जब मैंने उठाया था मैंने भूरा से कहा था कि भूरा उसको मेरे बच्चे को उड़वा ले, बच्चा मेरा जवान था, बहुत मोटा ताजी था, मेरी बहू से मेरे पोते से उठ नहीं रहता, हम तीनों जने लगे पड़े थे, वैसे ही रिक्शे में इसने पैर लटका रखे थे, गर्दन लटका रखी थी, हम गोद में ले रहे तो बच्चा हमारे कब्जे में नहीं आ रहा है, हम उससे कह रहे भाई इसको उठा ले हमारे गोद में। आपका लड़का क्या करता था यहाँ पर? मेरा लड़का गरीब पे ही है, चार्ज होते हैं बत्ती, ई रिक्शा बैटरी चार्ज करता था। क्या उसके पास कोई लाइसेंस वगैरह था इसका? नहीं, मतलब प्राइवेट करता था, भूरा करता था, भूरा बाबू घर में मीटर लगाया, उसने मीटर के लिए अप्लाई करी है, उसके घर के नाम का मीटर रहेगा, उसकी बत्ती है, उनने बत्ती दी है, वो 70,000 1-1 लाख रुपए लेता है, और उसे छोड़ दिया, 70,000 रुपए लेता है इन लोगों से बढ़ती चार्ज करने के महीने पे, बाबू लेता है। आप एक बात बताओ, जब आपके लड़के को ये हादसा हुआ आपने 100 नंबर कॉल वगैरह किया था? मना कर दिया। ठीक है, वो मतलब किसने मना किया था? भूरा ने मना कर दिया और साथ में थे उन्होंने मना कर, हम तो होपलेस हो गए थे, ये शर्ट है मेरे बच्चे की, वहाँ से खजड़ के लेके आया, अंदर ले गए हैं उसे बेड पे, वहाँ कम्बल से मुँह दबाया गया उसका और सारे पैर उसके लटक रहे थे, जब ये घटना घटी आप कहाँ पर थे? घर पे थे। कैसे पता लगा? बताया, कुछ कहने आया था घर पे, जब हम आए यहाँ तो यहाँ तो घर पे जा रखा था, किसी ने बताया कि पहले कुर्सी पे बैठाना था, दूरा से किसी ने कहा था उसको उठा लो कि नहीं, वो नाटक कर रहा है, सही हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा खुद, वो आ गया इधर को तो वो तख्त पे ले जाके क्या करा उसने,
नहीं पता, तो नसीब जी ये जो घटना घटी है इतवार की घटना बताई जा रही है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? क्या क्या जानते? इसकी घूरा की इसकी लड़ाई होती रहती थी। वो ये कहता था तू यहाँ से अपनी जगह छोड़ के चला जा। वो कहता था भाई मेरा जगह मेरी, मैंने यही तुमने मीटर लगवाया है, मैं तेरे 50,000 रुपये दे दूंगा, मैं तू अपना यहाँ से अपना किनारा कर लियो। कह रहा तू यहाँ से ऐसे नहीं जाएगा, तू किसी दिन तू यहाँ से लड़ाई गालियाँ देता कर बहनों को सहारा लेके लड़ता है। तो वो कहता था भाई मैं किसी सहारा लेके नहीं लड़ता हूँ, इनकी 24 घंटे गालियाँ गुफ्तारी होती रहती है। हम एक बार सब लोग आए समझा के चले गए थे इन्हें, एक बार तमंचा निकाला था, एक बार तमंचा मेरे भाई को निकाला था, हम लोगों को पता लगी तो हम लोग आए। फिर भी हमने चलो कोई नहीं, दोनों भाई बहन एक से हो गई है, फिर रहने लगे। इसने यहाँ से हमने ये जो सुनवाई आई कि मेरे भाई को यहाँ से खा पी रहे थे यहाँ से भेजा, उसने भूरा ने लाइट लगाने के लिए कि जहाँ पोलर की लाइट लगाया, पोलर उसके साथ गया, साथ जाने के बाद 10 मिनट के बाद वो पोलर दोबारा आ रहा है कहने के लिए कि देखो अलाउद्दीन भाई वहाँ पर गिरे पड़े हैं। जब वो गिरे पड़े थे तो ये इकबाल नाम का एक लड़का है वो यहाँ से उठाने गया, उसने ये कहा था अलाउद्दीन भाई कि इनसे उठा लो यहाँ से, ये गिरे पड़े हैं बेहोश हैं। तो उनको उठा के लाए, उन्होंने सांस उस सीना उन्हें दबाया तो उनके अंदर सांस थी। तो वो कॉलर जो था वही साथ गया, वही खबर देने आया और किरण के शॉट लगा लगा के मारा है और दबा के ला के यहाँ मारा मेरे भाई। सबसे पहले आपका नाम क्या? मेरा नाम मोहम्मद अनीस है। अनीस भाई यहाँ घटना घटी है क्या आपकी जानकारी में है? बिल्कुल, ये हमारी जानकारी में बात आई और ये बहुत ही दुख की घटना है कि इस प्रकार की लापरवाही के साथ जो इनके भाई के साथ हुआ, बेटे के साथ हुआ, और कोई घटना ना हो इसलिए जो पार्किंगें इस प्रकार से तारों में चल रही हैं उन वो भी ना चलें। और इनका ख़ास तौर से अभी तक इनके मामले में यही नहीं पता चल पाया कि कौन जांच अधिकारी कितनी स्लो कार्रवाई जो कर रहे हैं, जांच करें तेज़ी से तत्परता से जिससे कि इसके जो भी है, हालांकि पोस्टमार्टम हो गया है फिर भी उसमें ये पता चलना चाहिए जो न्याय मिले, इन्हें सबर मिल सके, इन्हें न्याय मिल सके। अभी एक मामला मैं देख रहा हूँ, आसपास बहुत सारी जो है बैटरी रिक्शा यहाँ चार्ज होते हैं अवैध रूप से, किसी के पास अगर देखा जाए तो किसी के पास मैं समझता हूँ कि मीटर वगैरह नहीं लगा होगा ऐसा मुझे लगता है। यहाँ मैं देख रहा हूँ तार आ रहे हैं जी, मीटर है, मीटर लगे हुए सबके, मीटर लगे हैं, मीटर वैसी नहीं है लाइट, लेकिन जो मीटर लगे हुए हैं जैसे मीटर लगा हुआ अभी इस घटना में ही आपने देखा कि मीटर कुछ दूरी पर है और पार्किंग कुछ दूरी पर है, तो ऐसा है तो उसके लिए कौन बाध्य है, किसकी जिम्मेदारी है ये, तो ये भी तय होनी चाहिए जिससे कि इस घटना के लिए हम लोगों में ये आइंदा ऐसी घटना ना हो, और ये जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए किसकी जिम्मेदारी है। आपको नहीं लगता क्या ये गलत हो रहा है सही हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये लगता है, लगता ही नहीं जो हुआ जान है। आज गई है, आगे भी भविष्य में ऐसे जो घटनाओं की पुनरावृत्ति हो सकते है अगर ऐसी बैटरी चार्जिंग होती रही तो, ये क्या आपको नहीं लगता कि ये घटनाएं बार बार घटेंगी? बिल्कुल, ये घटनाएं बहुत ऐसी हो सकती हैं क्योंकि बिजली जो है ना किसी को भी नहीं छोड़ती। मैं निवेदन करूंगा ख़ास तौर से कि जो BSES है या और भी इससे संबंधित अधिकारी हैं उचित मुआवजा मृतक को दें कृपया, क्योंकि उसके घर का कोई जो है ना पालन पोषण जो है ना चल सके। अभी हाल में घटना घटी है जिसके अंदर एक जो है व्यक्ति की जान चली गई। हाँ, मुझे करंट लगने से मुझे भी पता लगा, जब 9:30 बजे मुझे पता लगा मेरे बेटे का साला था अलाउद्दीन, जब मुझे पता लगा मैं इनके घर आई तो वहाँ सब पब्लिक थी, तो मैंने पूछा तो वहाँ जो कह रहे थे जल्दी जल्दी इसको मैयत को कर दो। क्यों जल्दी जल्दी क्यों जल्दी जल्दी कर रहे थे? तो मैंने वहाँ पे जो कहा खड़े हो गए कि आप जल्दी क्यों कर रहे हो, इसके हम जांच कराएंगे पूरी कि इनके साथ क्या हुआ है, क्या हादसा हुआ है, हमें इसकी जानकारी तो मिलना चाहिए। जिसकी माँ का लाल गया है, जिन बहनों का भाई गया है, तो जिस बीवी का शौहर गया है, तो उसकी भी तो वो होना चाहिए मंशा। आप लोगों के कहने से थोड़ी हो जाएगी मैयत। तो जब हम लोगों ने वहाँ सबने उठाया तो उसके बाद में पोस्टमार्टम के लिए पुलिस आई, पुलिस लेके गई। जब हमने लोग पुलिस से घटना कितनी देर बाद आ गई थी? पुलिस आई है कम से कम
एक दिन के बाद आई है पुलिस। एक दिन के बाद पुलिस आई है? हाँ। क्या बॉडी एक दिन 24 घंटे तक ऐसी रही थी? ऐसी रही थी, उन्हें करने नहीं, बॉडी करने नहीं दे रहा था कोई भी, सब गदर मचा रहा था। जब हम लोग वहाँ के सामाजिक आदमी खड़े हुए, मैं एनजीओ से हूँ, महिला मजदूर किसान सेवा समिति से, उस तरफ से मैं वो कर रही हूँ। आपको क्या ये लगता है कि जो बैटरी रिक्शा चार्जिंग होती है, अवैध ये पार्किंग है, ये सब अवैध है? अवैध है। आपको ये लगता है कि हटना चाहिए? हाँ हटना चाहिए, ये अवैध है। और जो मीटर की लाइट यहाँ जल रही है वो भी अवैध है। और बाबू नाम का जो शख्स है उसको पुलिस ने उसमें ले लिया था कस्टडी में, और उसके बाद उसको छोड़ दिया गया पैसा लेकर के। तो वो जब क्रिमिनल था उसको क्यों नहीं बंद करा गया? अभी जो घटना घटी इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? कि मैं एक बात कहूँगा कि इस घटना के साथ साथ मैं सबसे पहले दिल्ली सरकार से और तमाम बिजली अधिकारी जो बड़े बैठे हुए उनसे मैं सिर्फ यही गुजारिश करूँगा कि जो जिस लड़के के साथ हादसा हुआ अलाउद्दीन के साथ, उसके परिवार को चलाने के लिए कोई सिस्टम नहीं है। दिल्ली सरकार और बिजली अधिकारी मिलके कुछ ऐसा रास्ता निकालें कि जिससे इनके परिवार का गुजारा हो सके। सबसे पहले डीडीए और बीएसएस की लापरवाही, अवैध पार्किंग, डीडीए की मिलीभगत से और बीएसएस ये जिम्मेदार है। और हम इनसे वो कहते हैं कि ये बीएसएस ये जब्बू झोपड़ी में कि इतने बड़े बड़े मीटर लगा दिए, और डीडीए डीडीए की ज़मीन है, बीएसएस ने मीटर दिए, तो इसकी जो घटना के सिर्फ डीडीए और बीएसएस, और मैं सचिंदर जैन स्वास्थ्य मंत्री बिजली विभाग के, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप इस पे बात पे गौर दें। और ये अवैध पार्किंग और बीएसएस की पूरी गलती है कि झुग्गी झोंपड़ी में इतने बड़े बड़े मीटर लगा दिए, और आज अलाउद्दीन के साथ घटना हुई है। कल को मैं और नहीं चाह रहा हूँ कि और घटना हो। 1000 से ज़्यादा रिक्शे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ बीएसएस को और डीडीए की, ये दोनों की मिली भगत से यहाँ पे अवैध पार्किंग चल रही है। जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके अपने चैनल को एक प्यारे से लाइक के साथ।